गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, अभी आ रही है दीपावली, दो तीन दिन बाद दीपावली है और कल की धनतेरस है। मेरे घर पर चल रही है सफाई, आप देख सकते हैं ये पूरे में कबाड़ा फैला हुआ पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर कुछ सामान हमने अभी रख भी दिया है इधर साइड में, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ। पीछे चल रही है सफाई, घर में बहुत गंदा पड़ा है और मेरी शक्ल आप देख सकते हैं। सुबह से काम कर रहा हूँ, अभी मैं इस कूलर को खोल रहा हूँ, यहाँ से इसको रखूँगा क्योंकि अभी मौसम चेंज हो चुका है, तो ये रखा जाएगा ऊपर, फिर अगली गर्मियों में हम इसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे पीछे से, ये कूलर को हम खोल रहे हैं। ये कूलर मैंने खोल दिया है, लगभग ये जालियाँ रह गई हैं इसकी खुलने के लिए, तो ये खोल रहा हूँ मैं अभी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा लैपटॉप रखा हुआ है पीछे कुर्सी पर, तो इसमें मैं अभी अपना ब्लॉग सुबह पोस्ट किया था वो देख रहा था, और घर में चल रही सफाई, तो अभी सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं हर जगह कबाड़ा फैला हुआ पड़ा है। ये पीछे आप देख सकते हैं किचन वगैरह में ये सब बर्तन वगैरह ऐसे ही डले हुए हैं, हर जगह सफाई चल रही है किचन में, इधर उधर बर्तन डले हुए हैं, अभी सफाई चल रही है पूरे घर की, तब ये सेट होंगे। ये आलू रखे हुए हैं, आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अभी देखो आलू छिले हुए रखे हुए हैं, तो अब देखते हैं क्या कुछ व्यवस्था बनाएंगे खाने के लिए। किचन पूरी गंदी पड़ी है भाई, आप देख सकते हैं सिलेंडर वगैरह सब ऐसे ही डले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये है मेरा रूम, और अभी आप देख सकते हैं ये मेरा रूम है, और आप देख सकते हैं ये है मेरा लैपटॉप पीछे रखा हुआ है ये, और अभी सफाई चल रही है। ये मेरा कैमरे का बैग है, और वो पीछे रिंग लाइट रखी हुई है, और एक देखना मेरे बेड पर कैसे कपड़े फैले हुए हैं, पूरी साइड में मेरे कपड़े ये सब फैले हुए मेरे बेड पर। और ये मेरा रूम है, इसी में मैं एडिटिंग वगैरह करता रहता हूँ, और आप ये देख सकते हैं मेरी ये डॉक्यूमेंट की फाइल है, ये इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं सारे पढ़ाई के। और ये माइक मेरा ख़राब हो गया है, कल मैं ब्लॉग बना रहा था फतेहपुर सीकरी में, उस टाइम पर मेरा माइक ख़राब हो गया था, तो अभी कैमरे के माइक से ही काम चल रहा है अपना, ले के आऊँगा किसी दिन माइक। बाकी आप मेरे रूम को देख ही सकते हैं, सारा ऐसा फैला हुआ सामान पड़ा हुआ है, लैपटॉप बंद हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये मम्मी पीछे खड़ी हुई हैं, ऊपर इस पर सामान कुछ रख रहे हैं हम, ये आप देख सकते हैं ऊपर। ये मेरी बहन है ऊपर, ये सफाई कर रही है ऊपर साइड में, आप देख सकते हैं दिखाई दे रही होगी आपको। और इधर मम्मी खड़ी हुई हैं, ये भी सफाई में लगे हुए हैं सब, और आप नीचे देख सकते हैं कितना ये गंदा पड़ा हुआ है मेरी साइकिल के लिए। ये मेरी साइकिल है जो इसमें हवा हवा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ख़राब पड़ी हुई है, टाइम नहीं मिल पा रहा है इसे सही कराने का। ये हमारे घर का पीछे वाला कमरा जिसमें भैंस के लिए भूसा भरा जाता है, भैंसों के लिए, ये आप देख सकते हैं भूसा डला हुआ है इसमें, अभी ये खाली हो चुका है, कम भूसा रह गया है इसमें। और ये आप देख सकते हैं दलिए के कट्टे रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं हर तरीके का, तीन चार तरीके का इसमें दलिया रखा हुआ है जो भैंसों के लिए होता है। और इधर आप देख सकते हैं ये भूस भरा हुआ रखा हुआ है, ये अभी नादों में डलेगा, भैंस खाएंगी इसे। हमारा मकान बनाता है ये कमरा, हमने 5-6 फुट नीचा गहरा गड्ढा करवा दिया था इसमें, इसीलिए क्योंकि इसमें भूस भरा जा सके अच्छे से। और ये दलिया रखा हुआ है आप देख सकते हैं पीछे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूँ अपने बाड़े की साइड, और सफाई चल रही है पीछे, आप देख सकते हैं मम्मी कर रही हैं सफाई पीछे, आप देखिए ये कूलर के ढक्कन की जो अभी रखा जाएगा ऊपर। और ये है हमारी गाय का बच्चा जो अभी परेशान चल रहा है, इसकी दवा चल रही है अभी, और सारी भैंस वगैरह हमारी बाहर हैं गेट के, वो आएंगी शाम को, अब 4 बजे के आसपास ये सानी लग चुकी है पीछे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, मैं जाली को उठा रहा हूँ, गाड़े आ चुके हैं, कूलर रखना है ऊपर, और बाल परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और गंदा हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा मैं सुबह से, इस जाली को उठाएंगे, अगली गर्मियों में दूसरी जाली लगाएंगे हम इस पर, तो इसको जाली को होकर दो तीन साल, तो ये आप देख सकते हैं घास कितनी गंदी निकली है इसमें, और ये कूलर रखा हुआ है साफ कर दिया, इसे ऊपर रखते हैं, अगली गर्मियों में स्टार्ट करेंगे अब इसे। ऊपर रख दे जाए, मैं चढ़ू जाऊँ ऊपर, तो ब्लैंड ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं अभी इस पर, ऐसे रखूँगा ऊपर।
कितनी गंदगी पड़ी है घर में भैया, आप देख सकते हैं कितनी गंदगी पड़ी हुई है। मम्मी ये सफाई करवा रही हैं और ये बाहर का नज़ारा हमारे घर का देख सकते हैं आप। धूप बहुत तेज़ है, ये हमारी एक्टिवा खड़ी हुई है और मैं बैठा हुआ हूँ अभी ऊपर, सामान रख रहा हूँ मैंने अभी फ्रेंड्स। ये कूलर रखा हुआ है ऊपर, इसके ऊपर, और यहाँ ऊपर बैठा हुआ हूँ मैं, और यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं मम्मी नीचे से सामान दे रही है, मैं ऊपर रख रहा हूँ इस पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कैनन 200D मार्क टू मेरे कैमरे का ये डिब्बा है, आज मैं इसे कबाड़े में डाल रहा हूँ, कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, और ये LED खरीद के लाया था मैं जो कि 40 वाट की है, अभी लाइट के लिए, लाइट अच्छी नहीं थी इसके लिए। ये रिंग लाइट का डब्बा है, ये भी कबाड़े में जाता है आज आप देख सकते हैं। और ये वाईफाई लगवाया था हमने जियो का, ये आप देख सकते हैं ऊपर, ये जियो का वाईफाई है, ये मैंने लगवाया था अभी, तो ये भी यार आज कबाड़े में। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मेरा लैपटॉप रेडमी नोट 15 प्रो का। तो ये डिब्बे सारे मम्मी को अब लग रहे हैं कबाड़ा, मम्मी बोल रही है ये सब कबाड़े हैं, इनको बाहर बैक, ये अब नहीं रखे जाएंगे, ये सब कबाड़े में जाएंगे आज। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज मेरे सारे सेटअप के डिब्बे जा रहे हैं कबाड़े में। चल फ्रेंड्स कबाड़ा तो सारा बच गया है, लेकिन अब मैंने अपने सेटअप के डिब्बे तो सारे बचा लिए क्योंकि इनमें गारंटी वगैरह के कार्ड वगैरह भी डले हुए, तो फ्रेंड्स ये तो बच गए, मम्मी से बचा लिए जैसे तैसे करके। फ्रेंड्स इनको रखता हूँ मैं अच्छे से कहीं, सेटअप के सारे डिब्बे हैं मेरे आप देख ही सकते हैं। दोस्तों इसी बाइक से मैं कर रहा हूँ ब्लॉगिंग अभी इस टाइम पे, इसी से जाता हूँ मैं कहीं भी जाता हूँ इधर उधर, तो और आज इसको धो रहा हूँ, दीपावली आ गई इसकी आज सफाई कर देते हैं, आज इसका टाइम आ गया धुलने का। और पीछे एक खड़ी हुई है मेस्ट्रो, वो भी आज साफ होगी, पहले इसको साफ करते हैं उसके बाद उसे साफ करेंगे। दोनों गाड़ी तैयार नहा लो के देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है, और ये भी साफ कर दिए बिल्कुल, और अब देखते हैं इसमें अभी बाहर निकलेंगे दोनों धूप में थोड़ी, और इधर आएंगी भैंस, इसमें भैंस बन जाएंगी पूरे में। और आज का ब्लॉग मैं यही एंड करता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ नहाने। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और गाड़ी तैयार हो चुकी है बिल्कुल।